तो दगड़ियों, ये है पार्ट टू शिखर शिखर यात्रा का, शिखर बना टेम्पल का। क्योंकि आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा, काफ़ी लंबा वो व्लॉग हो गया था, इसीलिए मैंने उसको वहीं तक रखा। और अभी भी बहुत रास्ता बचा हुआ है, अभी हम चल ही रहे हैं। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। 6:30 बजे हम निकले थे घर से, तो चलिए। हाँ, और जिसने पहला व्लॉग नहीं देखा है, फर्स्ट, वो भी देख लेना, पूरा उसमें कवर है घर से निकलने का और कैसे हमने एंजॉय किया सब गांव वालों ने, कैसे आ रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ काम वाम चल रहा है खेतों का। जंगली जानवर पकड़ने के लिए वो बना रहा है, क्या वो देखो वो क्या है, जंगली जानवर को पकड़ने के लिए। अच्छा, रात को पहरा देते हैं, इसमें बैठ के वो सुअर उंगर उनको भगाते हैं वो। अच्छा हाँ। ये बच्ची कितनी प्यारी है, दगड़ी देखो। हेलो सब अपने अपने लिए लकड़ियां ले रहे। तो यहाँ दिख रहा है दगड़ियों, रीमा पचार्य खड़िया की खान पहाड़ी में दिख रही होगी आपको, आधा पहाड़ टकला जैसा दिख रहा है, वो खान है। तो दगड़ियों, मैं फटाफट आगे भाग भाग के जा रही हूँ ताकि व्लॉग बना पाऊँ, सब कुछ कवर कर पाऊँ। और मेरी हालत देखो कैसे लाल एकदम, सब पीछे पीछे आ रहे हैं। ये जंगल जाने वाले, खेत जाने वाले, देखो इनकी हालत। और मुझे देखो, मैं सबसे आगे हूँ। यहाँ जाओ बैठेंगे यार, थोड़ा कहीं सूखे सूखे में बैठेंगे। तो ऐसा ही है, चलो फिर जहाँ बैठते हो बैठो। वैसे मुझे नीड तो है नहीं, बैठ जाते हैं फिर। अरे वाह, ये क्या है रे ये देखो दगड़ी, यहाँ पे एक डिजाइन का पत्थर मिला है हमको, हमको ही बोला मैंने। दगड़ियों, वीडियो वीडियो करके मेरे गिरने की हालत हो रही है। और ये दो बच्चे तो पता नहीं क्या ही खा के आए हैं दगड़ियों, इन्होंने तो गजब ही कर रहा है। दगड़िया, यहाँ पे देखो कितना बड़ा पेड़, बिल्कुल जड़ से ही उखड़ा है ये तो। जड़ से नहीं उखड़ा है यार, क्या उखड़ी है, टहनी है ये। हाँ, है? एक हिस्सा ही है ये, एक नीचे ही रहे, वो देखना एक जड़ी होगी यार पूजा, इतनी बड़ी टहनी जड़ है भाई वो। भाई भाई गलत आ रही है। नहीं तो दगड़ियों, हम दूसरा हॉल्ट लेने वाले हैं अब, क्योंकि हमारे भाभी जी लोग, चाची जी लोग थक गए हैं। और यहाँ पे टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मुंह सूख गया होगा करके। और इसको रखेंगे हम बैग में, जेब में। ये पानी का एक्सीडेंट, यहाँ पे दुर्घटना हो गई दगड़ियों। मतलब भगवान ने इच्छा नहीं है तो इन्हें पढ़ देना मन। कबू दिन आके नहीं आए हो तो दगड़ियों, अब हम दूसरे विश्राम से भी चल रहे हैं आगे को। अब यहाँ से भी नहीं पता मुझे, मैंने पूछा भी नहीं। आगे की यात्रा शुरू, आगे की यात्रा शुरू। और अब यहाँ से पता नहीं कि, हाँ पता नहीं है कि यहाँ से कितना जाना है। जिनको पता है वो अभी पीछे ही रह गए हैं, चाचा लोग, अभी पूछ लूंगी उनसे भी। और यहाँ तो इतना ठंडा जैसा हो रहा है ना, अभी बैठ गए ना, पसीना सीना सूख गया तो अब ठंड लग रही है। आप कहीं भी ट्रैक में जाओ ना दगड़ियों, ये ध्यान रखो कि आप सबसे आगे हो, मतलब आगे या दूसरे तीसरे नंबर पे। अगर पीछे हो गए तो फिर पीछे होते जाओगे।
तो इस ट्रिप को याद रखना, इस ट्रिप को, मेरी ट्रिप को नहीं। अबुला मैंने दगड़ियों, ये देखो यहाँ बिजली गिरी है, ये पेड़ कैसे हो रखे हैं। ओ माय गॉड, ओहो हो हो, ये देखो दगड़ियों, सारा सारे कैसे हो रखा है इधर, वो भयंकर चुक चुक के। हाँ देखो दगड़ियों पूरा, ओहो हो 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 हो, ये देखो दिखाती हूँ आपको, आगे जाके वीडियो बनाती हूँ। ये देखो, ये देखो, पूरे पेड़ वेड़ टूट रखे हैं यहाँ। ये देखे दगड़ियों, ये हमारे ताऊ जी 65 साल के, और हमसे सबसे तेज चल रहे हैं, अभी तक ये हमसे बहुत पीछे थे। दो लोग और मिल चुके हैं हमारे गांव के, हमें चाचा जी लोग। ये देखिए अब करण अर्जुन के साथ, ये पता नहीं तीसरा कौन आ गया, ये ओ माय गॉड, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है दगड़ियों। संजू को कहाँ है फिर अब? और जो बस्ती गांव, ये आए हैं बस्ती गांव से, ये लिखा है यहाँ पे बस्ती गांव की ओर, इसमें लिखा है बोर्ड में। देखो दगड़ियों, इतने छोटे छोटे बच्चे चल ले रहे हैं यार, मैं तो इनको देख के हैरान हूँ सच में। जब हम छोटे छोटे थे ना, मेरी मम्मी हमको कहीं ले जाती नहीं थी, मम्मी मेरे को अंडर एस्टिमेट करती है वैसे सच में, मम्मी मुझसे आज भी बोली थी तू नहीं चल पाएगी। दगड़ियों एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, गेट दिख रहा है, गेट आ गया तो पहुंच गए वे यार, शायद हम पहुंच गए। चलो फाइनली, बड़ी जल्दी पहुंच, जल्दी जल्दी पहुंच गए दगड़ियों, 6:30 बजे से 9:30 ही अभी बज रहे हैं, हम 3 घंटे में पहुंच गए। वाह, नहीं पहुंचे, ये तो कुछ और ही है, पोपट हो गया, मुझे लगा हम पहुंच गए। और है मैंने ये गेट देखा, मैंने सोचा पहुंच गए ये गेट देख के। ये किस चीज का मंदिर है? अच्छा, ऊपर के लिए है शिखर को, हम इस रास्ते से जाएंगे और ये रास्ता जाता है बनार के लिए। अच्छा ये जाता है बनार, इसके बाद जो रहता आदमी भटकता है उसके लिए हम लोग पहचान ऐसे करते हैं पहाड़ी एरिया में, ठीक है, इसका मतलब यहाँ को आदमी नहीं जाएगा। अच्छा, ये क्रॉस हो गया, इधर को नहीं जाना, क्रॉस नहीं जाएगा। हाँ। और यहाँ को नीचे कोई भटके ना अनजान आदमी। हाँ। ये नहीं जाएगा। अब यहाँ से ऊपर को आदमी क्या सोचेगा? हाँ। यहाँ को रास्ता है करके देखो आगे पे, मेरा कैमरा कुछ ज्यादा ही अच्छा है, पूरा साफ दिख रहा है इसमें, क्यों धोखाधड़ी ऊपर को थे हॉली बाग आ गए दगड़ियों, बड़े बुजुर्ग सही गए थे, अब बिल्कुल चढ़ाई चढ़ाई है उस समय से जहाँ पर से वो मंदिर से पर पाए, थोड़ा बैठ जाएगा तो। हाँ अभी कुछ लोग पीछे ही हैं तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बैठ जाते हैं। देखो दगड़ियों एकदम खड़ी चढ़ाई है, दिख रहे होंगे आपको नीचे से लोग आते हुए। हाँ हाँ मैं तो दौड़ ही रही हूँ, मैं तो जब से निकली हूँ दौड़ ही रही हूँ। हाँ देखो दगड़ियों भूखे प्यासे, तो यहाँ देखिए शिखर 1 किलोमीटर, भनार 12 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। हाँ, और ये क्या है? धर्मगढ़ 5 किलोमीटर, सनगाड़ 3 किलोमीटर। और दगड़ियों हम ना उस समय मैंने आपको दिखाया था जब हमने फर्स्ट विश्राम किया था, पहाड़ी दिखाई थी ना कि वहाँ जाना है हमने करके, और वहाँ कोहरा लगा था, और अभी पूजा ने याद दिलाया कि हम वहीं पहुँचे हैं। देखो यहाँ पूरा कोहरा कोहरा लगा है ना, देखिए, तो हम उस चोटी पे पहुँच चुके हैं। मान गए यार सच में, मैं तो खुद को मान गई यार, इतना चल गई मैं, वो भी एकदम आगे आगे पीछे भी नहीं।
तो लगड़ियो ये है हमारा चौथा, चार बार विश्राम किया हमने, ज्यादा चौथा ब्रेक। देखिए कैसा लग रहा दऊ? बहुत अच्छा। दऊ कैसा लग रहा है? 5 साल की उम्र में डंडा पकड़ रही है, जब 10 साल में पहुंची क्या पकड़ेगी? ये चौमिन मोमो वाले हैं। किस चीज का मंदिर है मुन्ना चाचा? किस चीज का मंदिर है? मैं जब से घर से चला हूँ ना, जब मैं वहाँ पहुँचूंगा मंदिर में, तभी मैं पानी पीऊंगा। तब तक कोई पानी नहीं, कुछ चलो यार जी, भूख से मर रहे हैं बस। दगड़िया मैं आगे से बोली थी ना, ये बच्चे इतना क्यों चल रहे होंगे, क्यों चल रहे होंगे? ये क्या बल दुकान होगी बल, वहाँ मोमो खाएंगे बल, चाउमीन खाएंगे बल, उस आस से चल रहे थे। भगवान दादा बोलते हैं इसको, क्या सुंदर जा रहे हैं वहाँ। क्या नाम है? भगवान की सभा बैठती है यहाँ से, हिमालय पर्वत नंदा गोपी श्री सब यहाँ। अच्छा, यहाँ पर ये नंदा गोपी श्री सराय मंदिर है, नंदा माई का मंदिर है। हाँ हाँ, कोहरा कैसे आ रहा है लकड़ियों, देखो। तो दगड़ियो अब मैं लाठी मेरे साथी को, मैं यहीं पे अभी विदा करती हूँ इसको, अब तो हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे रख देती हूँ मैं इसको, ये अगर घर जाते इसमें आवश्यकता पड़ी तो। अब लगड़िया सबके चेहरे पे मुस्कान वापस आ गई है, सब यही बातें करें अभी तक सुधे मनु मनु है रही। अब ये क्या आया? शिखर धाम मंदिर, सामा झोपड़ा, भनार गांव, भगवंता बूंग, भनार धर्मगर, अब हम पहुंच गए हैं। यार कितना बढ़िया बनाया है यार। तो देखिए दगड़ियो, सब तो ये रास्ते की तारीफ कर रहे हैं, और वाकई में काबिले तारीफ भी है। ये देखिए इतनी टॉप, इतनी जगह में जो पत्थर है ना यहाँ के, ये यहीं इसी यहीं के पत्थर से बनाया गया है, क्योंकि देखिए इतने मस्त। पहुंच गए दगड़ियो, वाह हमने कर दिखाया। और दगड़ियो ये मंदिर ना जैसा सनगाड़ का मंदिर है, सनगाड़ मंदिर का ब्लॉग देखा होगा जिन्होंने मेरा, जिन दगड़ियों ने, वहाँ के भी मैंने 2-3 ब्लॉग बनाए हुए हैं, सेम वैसे ही मंदिर है वहाँ भी। और यहाँ पे जूते चप्पल खोल दिए हमने, अब सब लोग भाभी लोग चाची लोग अपना अपना पिछौड़ा पहन रहे हैं, जो पन्निया भर भर के लाए हैं, इनके पन्नियों में थे पिछौड़े, अब सब डालेंगे।
अब सब यहाँ पे चाय पानी पी रहे हैं, थकान दूर कर रहे हैं, और यहाँ बन रहा है खाना। इधर चल रही है खाने की प्रिपरेशन। ये देखिए, ये हमारे गांव के जो भी ताऊ चाचा लोग खाना बनाते हैं, वो खाना बना रहे हैं यहाँ पे। ये लोग यहाँ कल ही आ गए थे, दगड़ियों खाना बनाने वाली टीम कल आ गई थी, और हिमांशा जब भी कल ही आ गई थी इनके साथ। तो अभी आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। चलो फिर स्टार्ट।
जाने लगे हैं घर को, और फ़ोन में बैटरी मेरे बहुत कम हो गई है, और हमें वहाँ से शिखर से नीचे आए हुए मंदिर से 1 घंटा हो गया है, और अभी अब थोड़े से ही लोग हैं क्योंकि जो कथा वाले हैं ना वो थोड़ा सा लेट आने वाले थे, और फिर हमने सोचा कि चली लेते हैं क्योंकि घर पे टाइम से पहुँचना है। तो अभी हम निकले थे वहाँ से 3:10 में ऐसे हो रहा था। तो सुबह जब हम गए थे तो हम कितने घंटे में पहुँचे थे, 4 घंटे में पहुँचे थे क्या, 4:30 में। और अभी देखते हैं, अभी तो जल्दी पहुँच जाएंगे, शायद 2-2.5 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। तो 8 किलोमीटर पहले सुबह चले थे, 8 किलोमीटर अभी चल रहे हैं, और खाते ही सीधे चल गए, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट में दर्द हो रही है, और अब पैरों में दर्द भी स्टार्ट हो गई है। तो दगड़ियों फाइनली अभी 6:30 बज रहे हैं, और अब मैं बस घर पहुंचने वाली हूँ। सारे लोग अपने अपने घर पहुंच चुके हैं, मेरा घर ही लास्ट में था, जिसके आपने सुबह भी देखा था, मैं यहाँ से अकेली जा रही थी, और मतलब सपना ही जैसा लग रहा है, सुबह जाके वापस भी आ गए, वहाँ रह भी लिए थोड़ी देर, और टाइम से घर पहुँच भी गए। अभी देखिए उजाला ही है पूरा, क्योंकि बड़े दिन है, तो और फ़ोन में चार्ज बहुत कम बचा है, और बारिश पूरा मौसम हो रखा है, लाइट वाइट कहीं है नहीं, तो देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन होता है, क्या कहती है अब घर जाके। हाँ जाट है शिखर का, जाट है शिखर से घर तक का साथी, लट्ठी टेक के आई, लट्ठी टेक के गई। हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू एल कुमरा साहब। सुबह कल तक ध्यान था जो, फिर वहाँ जाने में सुबह सुबह मेरे चलिए तीर्थ यात्रा कर आई हूँ। तू आती ना, कभी नहीं चल पाती, कभी नहीं चल पाती मम्मी, नहीं चल पाती तू, नहीं है तेरे बस की, बिल्कुल नहीं है, नहीं चल पाती तू। मैं तो तेरे से चिंता हो रहा था, जब कुछ मैं सबसे आगे थी, देखा ही दगड़ियों आपने ब्लॉग में। अब खोलते हैं दगड़ियों जूते, पैरों की हालत देखते हैं, जूतों की हालत देखो कैसी हो रखी, और चलते चलते दगड़ियों मेरा सॉक्स भी फटा है, ये मैंने आगे देखा, ये घर से नहीं फटा था, ये फट गया है। भैया छाले लगे हैं नहीं, छाले क्या लगे, सफेद कस, ये देखो दगड़ियों यहाँ पे लगा है छाला, ये अंगूठे दर्द कर रहे हैं ये, और पैर कितने गंदे हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पूरी मिट्टी मिट्टी कीचड़ कीचड़ हो रहा था जब जूते खोले थे, और ये बिल्ली के नाखून। तो अब दगड़ियों रेस्ट करती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, कपड़े भी आधे गीले गीले जैसे हो रहे हैं क्योंकि भीगी गए थे हम आधा, और उम्मीद करती हूँ आपको शिखर का ब्लॉग पसंद आया होगा। भनार भी जाने वाले थे दगड़ियों, बट ना हिमाचल लोग तो गए भी हैं, 4-5 लड़के लोग, फिर हमारे साथ तो औरतें लोग थी, फिर उनको घर भी जल्दी आना होता है, और हम लोगों को भी फिर हो नहीं पाता ना, तो कभी अब हुक्म होगा तो फिर वहाँ भी जाएंगे। आज तो ऐसे शिखर का मैंने तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं था, मतलब सोचती तो थी कि जाऊँगी, बट हाँ आज एक ही दिन में जाके आ भी गई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करूँगी आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अब मेरे को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इससे पहले वाला पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है शिखर यात्रा का, जो हम घर से गए थे आधे रास्ते तक का पूरा मैंने डाला हुआ है, वो भी आप देख लेना, ठीक है, दोनों ब्लॉग देख लेना, बहुत मस्ती बहुत मजा आया है, पूरे गाँव वालों का, पहाड़ का, सब कुछ बहुत मस्त है। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।